दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से मॉडल की, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। और ये दोस्तों चारों तरफ से आपका ओपन है, आप देख सकते हैं सभी जगह मैंने विंडो वगैरह दिए हैं जहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अगर आपका चारों तरफ ओपन है, क्लोज्ड है, तो आप इन विंडोज़ को हटा सकते हैं। और लेफ्ट हैंड में दोस्तों एक डोर भी दिए हैं, क्योंकि यहाँ भी एक जगह है जो एक्सेस करने के लिए मैंने डोर दिया है। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था अपनी इस सर्विस को लेने के लिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इस मॉडल को आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्हीं के अकॉर्डिंग इस पूरा मॉडल को डिज़ाइन किया है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाए। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर हमारा शो हो रहा होगा, वहीं पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो हमारी एक पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर सके फ्रंट एलिवेशन की। तो ये दोस्तों फ्रंट से आपको एक पोर्च डिज़ाइन मिलेगा, देख सकते हैं दोनों तरफ बेडरूम्स है, इस वजह से आपको विंडो देखने को मिलेगी। साइड से भी सभी जगह विंडो है। अभी आप इसका टॉप व्यू देखिएगा, ऊपर से आपका मकान ऐसा दिखेगा। तो यही अभी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे आपको इसकी सारी चीज़ें रियलिस्टिक समझ में आ जाए। तो यहाँ से ये स्लोप है जहाँ से आप ऊपर जाएंगे। सबसे पहले चार पिलर है जिसमें आपका पूरा ये पोर्च टिका हुआ है। इसके बाद ये जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये आपका पोर्च का डिज़ाइन, और ये आपको टॉप से मैं दिखाता हूँ। ये बीम जो है यू शेप में देखिए दोनों साइड बनी हुई है। तो ये देखिएगा आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंदर जाते हुए आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ बेडरूम मिलते हैं, इसीलिए देखिएगा दोनों के डोर जो है मैंने मतलब बाहर से ही दिए हैं, और दोनों कॉर्नर पर है, इसलिए दो दो विंडो आपके कॉर्नर पर हो जाते हैं। मेन डोर आपका ये है, मेन एंट्री ये है, यहाँ से आप एंट्री करते ही अंदर पहुँचते हैं। तो अंदर पहुँचते अंदर से भी दोनों दोस्तों मैंने डोर दी है, अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। फिर आपको डाइनिंग एरिया में आना होगा, एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया है। एक लेफ्ट हैंड में देखिएगा यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है, इधर भी बेडरूम मिलता है। ये दोस्तों आपका किचन एरिया है, और ये आपका एक पूजा घर है, और ये आपका एक बाथरूम है, और इधर आपकी स्टेयर्स बनी हुई है। और यहाँ से दोस्तों एक डोर दिया है मैंने, जिससे आप बाहर जा सकते हैं, साइड में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर फोर बेडरूम के साथ यहाँ पर किचन, लेट बाथ, पूजा घर, स्टेयर्स और बारंदे के साथ पूरा डिज़ाइन ये बनकर रेडी होता है, जिसमें आपको पोर्च वगैरह मिलता है। साइड में देखिए जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती थी वहाँ हमने विंडो दी है। जितने भी कॉर्नर पर आपके बेडरूम्स हैं उन सभी में दो दो विंडो हैं, और किचन को वेंटिलेट करने के लिए सबसे पीछे देखिएगा यहाँ पर विंडो दिया गया है, और ये पूजा घर को वेंटिलेट करने के लिए वेंटिलेटर दिया गया है। यहाँ पर स्टेयर्स पे भी वेंटिलेटर मैंने दिया। तो ये ओवरऑल फोर बेडरूम्स का हाउस बनकर रेडी होता है ग्राउंड फ्लोर। इसका 2D प्लान वगैरह आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ रिपेयर सर्विस होगी। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, मतलब फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप ऊपर पहुँचते हैं तो ये देखिएगा जो बेडरूम थे उसको मैंने कवर्ड कर दिया है बारंदे में, आगे वाला पोर्च बिल्कुल सेम है। पीछे के साथ दोनों बेडरूम वही हैं, आपका किचन लेट बाथ वही है, और बालकनी में जाने के लिए भी यहाँ पर देखिएगा बालकनी वगैरह मैंने चारों तरफ क्रिएट नहीं की है, क्योंकि वो हमारे जो सब्सक्राइबर थे, हमारे जो पेड यूजर थे, उनको रिक्वायरमेंट नहीं था रिक्वायरमेंट बालकनी की। तो और की सारी चीज़ें पीछे वाली सिमिलर हैं, आगे का दो बेडरूम हटा कर ये बारंदा बना दिया, और आगे पोर्च सिमिलर बना हुआ है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल, स्टेयर्स को ढकने के लिए एक गुमटी बना दी। तो अगर आप ऐसे मॉडल चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ये मॉडल अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।